एल्किन सजातीय श्रेणी या द्विबंध या डबल बॉन्ड वाले यौगिक को क्या कहा जाता है? सिंगल बॉन्ड मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। कार्बन कितने? दो। हाइड्रोजन कितने? 3 और 3 6। C2H6 दो कार्बन को ऐड करें, एथेन नहीं, क्या है? एथेन है। लेकिन अगर यहीं पर अगर डबल बॉन्ड आ जाए, क्या जाए वहां पर? डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड के जाए वहां पर CH2 जाए, क्या जाए वहां पर? डबल बॉन्ड जाए। द्विबंध आ जाए, कितने बंध जाए वहां पर? द्विबंध डबल बॉन्ड जाए। अगर डबल बॉन्ड आ गया या फिर द्विबंध आ गया, मतलब कौन सी श्रेणी बन गई तुम्हारी? एल्किन सजातीय श्रेणी। क्या बन गई? एल्किन सजातीय श्रेणी। और एल्किन सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्किन सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्किन सजातीय श्रेणी का सूत्र क्या होता है? CnH2n। ठीक, इतना बस याद रखो, पूरा क्लियर हो जाएगा। एक नाम पढ़ डालोगे तो बिल्कुल सिंपल सूत्र है इसके, बिल्कुल बहुत आसान से। क्या बोला मैंने? एल्किन सजातीय श्रेणी। कौन सी? एल्किन सजातीय श्रेणी। एल्किन सजातीय श्रेणी समान सूत्र क्या होता है? CnH2n। एल्किन सजातीय श्रेणी का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n। फिर से बिल्कुल रट लो उसको, बिल्कुल रट लो, कंठस्थ कर लो बिल्कुल। क्या कंठस्थ कर लो? कार्बन की संख्या एक है तो क्या पढ़ेंगे उसको? मैथ पढ़ेंगे। बिना देखे याद होना चाहिए। कार्बन की संख्या दो है, क्या पढ़ेंगे उसको? एट पढ़ेंगे। कार्बन की संख्या तीन है, क्या पढ़ेंगे इसको? प्रो पढ़ेंगे। कार्बन की संख्या चार है, क्या पढ़ेंगे इसको? ब्यूट पढ़ेंगे। कार्बन की संख्या पांच है, क्या पढ़ेंगे इसको? पेंट पढ़ेंगे। कार्बन की संख्या छह है, क्या पढ़ेंगे? छह, क्या पढ़ेंगे इसको? हेक्स पढ़ेंगे। कार्बन की संख्या अगर सात है, क्या पढ़ेंगे इसको? हेप्ट पढ़ेंगे। कार्बन की संख्या कितनी है? आठ है, क्या पढ़ेंगे इसको? ऑक्ट पढ़ेंगे। कार्बन की संख्या नौ है, क्या पढ़ेंगे इसको? नौ पढ़ेंगे। कार्बन की संख्या दस है, क्या पढ़ेंगे इसको? डेक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेक पढ़ेंगे। और एल्किन श्रेणी में अणु लगने इन जुड़ता है, क्या जुड़ता है लास्ट में? इन। इन क्या जुड़ेगा? इन। इसका अणु लगन, इसका अणु लगन क्या होता है? इन होता है। एल्किन श्रेणी का अणु लगन क्या होता है? इन होता है। अब एन का मान रखना है, एन का मान एक नहीं रखते इसमें, तो कार्बन चार बॉन्ड बना नहीं पाएगा, है ना? ठीक, एन का मान दो रखो, एक कार्बन का हो गया। कार्बन एन का मान कितना बोला मैंने? दो। एन का मान कितना? दो। एच का हो गया एच। एन का मान कितना रखना है? दो। दो रख देंगे, दो गुणे दो, दो दूनी कितना हो गया? चार। दो दूनी चार। एन का मान तीन रखो, एन का मान तीन, सी का हो गया सी। एन का मान कितना रखना है? तीन। एच का हो गया एच। एन का मान कितना रखना है? तीन, तीन दूनी छह। अब एन का मान चार रखो, सी का हो गया सी। एन का मान कितना रखना है? चार। यहां कितना रखना है? चार। एच का हो गया एच, यहां एन का मान चार, चार दूनी कितना हो गया? ये आठ हो गया। एन का मान पांच रखना है, सी का हो गया सी। एन का मान कितना रखना है? पांच। एच का हो गया एच, एन का मान कितना रखना है? पांच। पांच दूनी यहां पर कितना हो गया? दस हो गया। सी का हो गया सी। एन का मान छह रखना है, एन का मान कितना रखना है? छह। एच का हो गया एच, एन का मान छह, छह दूनी कितना हो गया यहां पर? बारह। बारह। सी का हो गया सी। एन का मान कितना रखना है? सात। एच का हो गया एच, सात। सात दूनी कितना हो गया यहां पर? चौदह। अगला छह के बाद सात, तो सात के बाद क्या जाएगा? आठ। बारह के बाद चौदह, चौदह के बाद क्या जाएगा यहां पर? एच का मान सोलह। ठीक, अब सी का हो गया सी। आठ के बाद अगला क्या जाएगा? नौ। कार्बन एक बढ़ रहा है, हाइड्रोजन दो बढ़ रहा है। सोलह के बाद क्या जाएगा हाइड्रोजन यहां पर? सोलह के बाद जाएगा अठारह, फिर नौ के बाद दस,
हाइड्रो 18 के बाद हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब देखो सिंपल, दो कार्बन का पढ़ते, कार्बन की संख्या अगर दो है क्या पढ़ेंगे उसको, एट। कार्बन की संख्या दो है क्या पढ़ेंगे, एट। और एक कार्बन की संख्या दो है क्या पढ़ेंगे, एट। और लास्ट में क्या होएगा, इन। तो एट का इन एटीन, तो कौन सी गैस हो गई, एथीन। एथीन गैस हो गई, क्या हो गया ये एथीन। कार्बन की संख्या कितनी है यहां पर, कार्बन की संख्या कितनी है, तीन। अगर कार्बन की संख्या तीन है इसको हम क्या पढ़ेंगे, प्रोब पढ़ेंगे। कार्बन की संख्या अगर तीन है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, प्रोब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे उसको हम, प्रोब पढ़ेंगे। कार्बन की संख्या अगर तीन है इसको हम क्या पढ़ेंगे, प्रोब को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रोब। और प्रोब का इन क्या होता है, प्रोपीन। प्रोब का इन क्या होता है तुम्हारा, प्रोपीन। प्रोब का इन क्या होता है, प्रोपीन होता है, ठीक। कार्बन की संख्या कितनी है यहां पर, चार है। कार्बन की संख्या अगर चार है इसको हम क्या पढ़ेंगे, ब्यूट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ब्यूट। और ब्यूट का इन क्या होता है तुम्हारा, ब्यूटीन होता है। क्या होता है, ब्यूटीन होता है। कार्बन की संख्या अगर पांच है, कार्बन की संख्या कितनी है, पांच है। क्या पढ़ेंगे इसको, पेंट पढ़ेंगे। और पेंट का इन क्या होता है, पेंटीन होता है। क्या होता है, पेंटीन होता है। अगला, कार्बन की संख्या कितनी है, छह है। कार्बन की संख्या का छह क्या पढ़ेंगे इसको, हेक्स पढ़ेंगे। और हेक्स का इन क्या हो जाएगा तुम्हारा, हेक्सीन हो जाएगा। हेक्सीन हो जाएगा। कार्बन की संख्या यहाँ पर सात है, कार्बन की संख्या अगर सात है उसको हम क्या पढ़ेंगे, हेप्ट पढ़ेंगे। और हेप्ट का इन क्या होता है, हेप्टीन होता है। क्या होता है, हेप्टीन। हेप्टीन। कार्बन की संख्या अगर आठ है क्या पढ़ेंगे इसको, कार्बन की संख्या आठ के पढ़ेंगे इसको, ऑक्ट पढ़ेंगे। ऑक्ट का इन क्या हो जाएगा, ऑक्टीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, ऑक्टीन। क्या हो जाएगा, ऑक्टीन। कार्बन की संख्या नौ है क्या पढ़ेंगे इसको, नौ पढ़ेंगे। और नौ का इन क्या हो जाएगा, नौकीन। कार्बन की संख्या अगर दस है क्या पढ़ेंगे इसको, डेक पढ़ेंगे। और डेक का इन क्या हो जाएगा तुम्हारा, डेटीन। जाएगा, देखिए जो हो गया तुम्हारा, जल्दी याद करो उसको।